आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्वेश्चन गिवन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ इट्स ओरिजिनल रेडियस इज ट्रिपल्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, देन रेडियस ऑफ सर्कल अगर आर हो गया तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू 2R होता है। नाउ सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफेरेंस इक्वल टू ये हो जाएगा 2πR। सो रेशियो क्या आ जा रहा है यहां से, सर्कमफेरेंस का और डायमीटर का, दैट मीन्स 2πR डिवाइडेड बाय 2R। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 1, सो दिस इज इक्वल टू पाई इज टू 1। नाउ when radius is tripled then new radius kya ho jayega, new radius will be equal to 3r, new diameter will be equal to 2 into 3r, that is equal to 6r ho jayega, and new circumference क्या हो जाएगा, new circumference will be equal to 2 pi into radius, जो कि radius है 3R, so this will be equal to 6 pi R, ये हो गया। so ratio अब क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग देख सकते हैं ratio equal to 6 pi R divided by 6R, यहां से भी 6R सार कैंसिल आउट हो गया तो ये पाई बाय 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू पाई इज टू 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर रेडियस को चेंज करते हैं तो उससे सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो में चेंज नहीं आता है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं हेंस चेंज इन रेडियस डजंट अफेक्ट the ratio of circumference and diameter, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।